बैठ करके यहीं पर उन लोगों ने मीटिंग किया। बोले क्या मीटिंग? ब्रजवासी लोग कह रहे हैं, बोले नंद बाबा मैया जसोदा अभी तक समझ जाओ, बल्कि इस चीज को समझ जाए, बोले तुम लोग कृष्णा अगर दो एक कोई मटकी फोड़ देना, मैया उसको उखल में बांध देती है, हैं? कभी अगर थोड़ी सी मक्खन खा लिया तो मैया क्या करती है, कान 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 को उन्होंने मोल देती है। और कृष्णा डर से क्या कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं मार खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं मार खायो। इसलिए कभी कभी डांट लगा देते हैं, डपटती हैं। अब तक तो तुम लोग ने उनको बचपन में उन्होंने पुतना को मारे, देखे कि नहीं, अघासुर को मार कर बकासुर को मार डाला, लेकिन ये मैया कभी कभी डांट लगाती डपटती है। अभी आप लोगों ने देखा कि नहीं, कृष्ण ने क्या किया, बाम हाथ में और सात क्रॉस गिरिराज को, सात साल बालक सात दिन तक उन्होंने गिरिराज को उन्होंने उठा लिया। बोले गिरिराज महाराज, अरे अभी तक कम से कम मान लो ये भगवान, अभी तो मानो ये बात जब सुनाए ना, इतने में नंद बाबा तो हा 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 करके बड़े जोर से, आप लोग थोड़ा हंसो यहाँ पर, अरे अभी तक समझ जाओ कृष्ण भगवान, अभी तक कम से कम इतना समझो। लेकिन नंद बाबा बड़े ढाल लगाकर हंसे, बोले देखो हमने सुना था जो ग्वाला है ना 80 साल में इनके अकल की दांत निकलती है, इसलिए बात सही है, आज मेरे को विश्वास हो गया, ये लोग कह रहे हैं कृष्ण भगवान है। अभी मेरे लाला ने तुमको कितने बड़ी विपत्ति ब्रज में आई, कितने बड़ी विपत्ति, साधारण विपत्ति थी। सात दिन तक इंद्र ने पूरा के पूरा ब्रज को तसनस करने के लिए कोशिश किया, और मेरे लाला ने गिरिराज को उठा करके उन्होंने किया कि सारे ब्रजवासी को रखिया किया। मेरे लाला तो अभी ब्रजवासियों को रखिया किया, अभी मेरे लाला को बड़ी विपत्ति आ गई, क्योंकि ये सबके सब कृष्ण को क्या कह रहे हैं, कृष्ण भगवान। इसका मतलब है अगर ब्रज में कृष्ण को कोई भगवान बोल दिया ना, ये ब्रजवासियों के लिए बहुत बड़ा विपत्ति है। क्यों, कारण किया, नंद बाबा मैया जसोदा के अंदर में जो बात्सल्य प्रेम है, ये मेरे लाला हैं, ये मेरे लाला हैं। अगर ये कोई दुष्टा भी करेगा, कोई अगर उल्टा पुल्टा नटखट करता है, हम पिता माता हमारे अधिकार उसको शासन करने का है। सखा लोग कृष्ण को भगवान नहीं सखा मान करके झूठन खाते हैं, कृष्ण झूठन खाते हैं, कभी कृष्ण को घोड़ा बना देते हैं, और गोपियां को तो प्यार में पता नहीं कृष्ण दिन रात कितने गिरते रहते हैं। इसलिए अगर उनको भगवान मान जाए ना, ये जो रस है ये संपूर्ण खत्म हो जाएगी। इसलिए कृष्ण को कोई भगवान अगर ब्रज में बोले तो ये ब्रजवासी लोग कहते हमारे ऊपर विपत्ति, कहा हमारे लाला ने विपत्ति को तारा, अभी लाला के ऊपर विपत्ति आ गई। इतने में नंद बाबा मैया जसोदा बोले तुम तो घर में रहते है नहीं, तुमको कैसे पता ये भगवान भगवान है कि नहीं जानते हो, इसको भगवान कोई भूख लगता है, भगवान कहते आत्मा राम और आफ्ताब भगवान है परिपूर्ण है, लेकिन इसको मिनट मिनट में भूख लग जाती है, और ये मक्खन मिश्री देने में अगर थोड़ी सी देर हो जाए ना, पता नहीं कितने मटकी फटकी फोड़ मार करके और लौट पोट खाने लग जाते हैं। और जानते हो ये क्या करते हैं, किसी ब्रज गोपियों घर में जाते हैं मक्खन चोरी करने के लिए, अगर मक्खन नहीं मिले ना, ये कभी कभी घर में टाटी पेशाब भी करके आ जाता है, किस घर में आपको क्या पता ये टाटी पेशाब करता है। अगर किसी घर में गए मक्खन नहीं मिला तो चिमटी काट देते हैं, नहीं तो किसी सखाओं को चोटी की, नहीं तो गोपी की चोटी को उन्होंने खटिया में बांध देता ही है। तुमको क्या पता है ये क्या करता नहीं करता, बड़े नटखट करता है घर में। इसलिए भैया अगर तुम लोग भगवान मानते हो, तुम भगवान मानो, लेकिन ये हमारी बेटा बन करके आया, हमारी कर्तव्य है इसको शासन करना, क्योंकि अगर बचपन में अगर बच्चे को शासन नहीं करना, बड़ा होकर क्या करना है, फिर बड़ा चोर बन जाएगा, बड़ा चोर बन जाएगा, फिर बदनामी तो पिता माता को होगा ना। इसलिए भैया आप तो इसको जरूर शासन करेंगे। इसलिए गुरुदेव कहते थे यहाँ पर सारे ब्रजवासी बैठ करके ये सब मीटिंग करते थे। अभी राधा कृष्ण की जो शादी की बात आ गई, अभी बात चल रही है इनकी शादी हो जाएगी, लेकिन जब शादी हो जाएगी बात चल रही है, इतने में पौर्णमासी ने बोल दिया, बोले खबरदार शादी नहीं करना। बोले क्यों,
मतलब ये जो लड़की है ने मांगली है, आपको पता होगा अगर शादी होगा ना जिंदगी भरी दुखी दुखी रहेगी, इसलिए शादी वादी नहीं कराना। शादी कराना तो कहाँ करना, इसको जावट में ये आयना घोष अभिमन्यु नाम के बेटा है उसको साथ में शादी कराओ, ये वहाँ पर सुखी में सुखी रहेगी। इसलिए जब कृष्ण कहीं ब्रज में कहीं विभूति दिखाया करते थे, बड़ी बड़ी उन्होंने आश्चर्य घटना की करती थी, यहाँ पर बैठ करके सबके सब बात करते थे, यहाँ पर इतने अनहोनी हो रही है, अभी बताओ क्या करनी चाहिए। पहले तो अघासुर बकासुर और तृणावर तो पीछे बढ़ गए थे, अभी तो ये पेड़ भी अपने आप गिर करके कान्हा के ऊपर पड़ने लग गिरने लग गया, बताओ क्या करनी चाहिए। बोले भैया और यहाँ नहीं रहेंगे, चलो हम अन्यत्र और कहीं चले जाते, फिर अन्यत्र कहीं चले जाते थे। इसलिए जब नंद बाबा को बोली ये भगवान, नंद बाबा बोले देखो तुम लोग भले ही मेरे बात को विश्वास कर मत विश्वास करो, लेकिन ये गर्गाचार्य का बात को तो कम से कम विश्वास करोगे। बोले हाँ गर्गाचार्य त्रिकाल दृष्टा ऋषि, बोले उन्होंने क्या बोले, उनका जब नामकरण हो रहा था ना उन्होंने पूरा उन्होंने पत्री जैसे नामकरण सब उन्होंने पत्री को बनाकर रखे थे, फिर उन्होंने देखो ये गर्गाचार्य बताए ये जो बच्चा है ना ये नारायण सम गुण, ये गर्गाचार्य बताया कभी कभी नारायण की कुछ गुण ये बेटे में प्रकाश होगा, इसलिए मेरे लाला थोड़ी गिरिराज को उठा सकता है। इसलिए कहते कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गिरिवर लिया उठाए। इसलिए जब कृष्ण बोले गिरिराज उठाए, बोले सखा तेने कब गिरिराज उठाए, तू तो क्या मैंने नहीं तुमने उठाए, बोले और क्या हमने डंडा टिका कर रखे थे ना तब तो गिरिराज उठा, तू कहां गिरिराज उठा सकते थे। कृष्ण ने कहा जानते हो मैंने कैसे गिरिराज उठा लिया, बोले कैसे, बोले जब मैंने गिरिराज उठाया ना तुम लोग मेरे को देख रहे थे, जब देख रहे थे तुम्हारी ताकत हमारे अंदर में आ रहा था इसलिए गिरिराज। बोले कन्हैया पहले तो मक्खन चोरी चोरी कर खाते थे, अभी हमारे बल को भी चोरी करना शुरू कर दी, हमको तो यही से लग रहा था हमें इतने कमजोरी क्यों लग रहे हैं, लगता था तुम हमारे सारे ताकत को तू ही चोरी करता था, इसलिए उन्होंने पूरा उन्होंने पत्रिका को लिखा ले। लेकिन गर्गाचार्य तो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, बोले जो नारायण में जो गुण है वो कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, कृष्ण पूर्ण शक्ति, उनको कुछ कुछ शक्ति नारायण में विद्यमान, लेकिन नंद बाबा भाग चल रहे समय उन्होंने क्या सोचते थे, नारायण में जो शक्ति है शायद कुछ कुछ मेरे लाला में कभी कभी आ जाता है, इसलिए मेरे लाला का गिरिराज उठाया, मेरे लाला कहाँ गिरिराज उठा सकता, छोटा सा बच्चा उसका दांत दूध का दांत भी नहीं टूटा। इसलिए गुरुदेव कहते थे यहाँ पर सारे ब्रजवासी बैठ करके यहीं पर सारे नंद बैठक हुआ करता था, बड़ी सुंदर सुंदर विचार होती थी, कृष्ण की सुंदर सुंदर लीला कथाएं चर्चा हुआ करती थी, इसलिए स्थान का नाम बैठान, जहाँ पर बैठ करके सारे ब्रज की हानि लाभ की बात होती थी। बोले श्री बैठान की, नंद बाबा की, कृष्ण कन्हैया लाल की, पिताई गौर ब्रह्मानंद।